ठीक साहब मोटरसाइकिल पर ही बैठो ना, अरे मोटरसाइकिल पर ही बैठो, ऐसे खड़े ठीक है सर, लगा लेंगे ठीक है। सप्ताह चल रहा है, आज दूसरा दिन है, मीडिया से आपने चर्चा की है, क्या विषय रहा, क्या दिशा निर्देश देंगे आपको? इस 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार की इस प्रकार की मंशा थी कि आप अपने क्षेत्र में मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ, क्योंकि मीडिया कर्मियों का संवाद जनता से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, उनके माध्यम से जागरूकता बहुत तेज़ी से फैलाई जा सकती है, तो क्षेत्र में जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित करके एक मीडिया सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन करें। इसके तहत हम मीडिया द्वारा दिए गए सुझावों की एक सूची लेंगे जो हमारे सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भिजवाई जाएगी, और जितने भी हितधारक विभाग सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनको उन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और उनके निदान के बारे में लिखा जाएगा। सर आज क्या क्या विशेष सुझाव आए जैसे आपकी जानकारी में? आज मुख्य तौर पर कोटपुतली कस्बे से संबंधित जो सुझाव हमारे समक्ष आए वो हाईवे पे कुछ वाहनों का खड़े रहना, जिनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स इस राजमार्ग पे गत दिनों में घटित हुए हैं, उनके बारे में उनको हटाए जाने के संबंध में सुझाव आया। उसके अलावा बांसुर कट के ऊपर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर या कोई गतिरोधक अवरोधक बनाने के सुझाव आए। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में भी सड़क जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित करने के सुझाव आए। बस स्टैंड कोटपुतली जो काफ़ी समय से निर्माण इसका हो चुका है पर अभी तक संचालन नहीं हो पा रहा है, वहाँ से बसों का वहाँ से संचालन कराए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए।